ओम साई राम, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं जा रही हूँ एम्स, और पता है कि मेरी तबीयत कुछ महीनों से, सालों से ठीक नहीं है, तो उसी की वजह से मैं एम्स, दिल्ली के एम्स में जाती हूँ अपना चेकअप के लिए। और 3 महीने से मैं दवाई भी काफ़ी खा चुकी हूँ और शेयर भी की हूँ जूस, मतलब जैसे अनार का, चुकंदर, एप्पल, अंगूर, जो भी है हर चीज़ का जूस भी पी लिया, खाई भी अच्छे से हूँ। मतलब लुक वाइज तो फिजिकल देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन भगवान जाने मुझे ऐसा क्या हुआ है। मतलब एनीमिया तो निकला ही है, वो भी ठीक नहीं हो रहा है, और कई महीने से मैं दवाई खा चुकी हूँ। तो अब जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग मुझे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीना हो चुके हैं और मेरा ब्लड इंक्रीज होने का नाम नहीं ले रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर ने मतलब बोल दिए हैं कि आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत है। तो अगर कोई भी फ्रेंड्स मेरी हेल्प करना चाहें जो दिल्ली में रहते हों, एम्स के आसपास रहते हों, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी akansha.pihu है। तो बस एक्चुअली मुझे मतलब होमोग्लोबिन की प्रॉब्लम तो जब मेरी 3 साल पहले डिलीवरी हुई थी, मेरी बेटी लॉकडाउन में ही हुई, मुझे उस टाइम ही ज़रूरत था। लेकिन उस टाइम तो हालात ऐसी थी कि कोई मतलब हेल्प नहीं कर सकते थे, और मेरे हस्बैंड भी साथ में थे, तो उनको तो वैसे ही डायबिटीज़ है, तो वो वैसे भी नहीं दे सकते हैं। तो और फिर मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया, क्योंकि वैसे तो उस टाइम तो वैसे ही सब लोग मतलब ख़त्म हो रहे थे। ये सब मैं डिटेल में क्या बोलूँ, आप सभी को पता है कि वो हालात ही ऐसा था कि उस टाइम कुछ नहीं किया जा सकता था। और भगवान भरोसे मैं मतलब घर आ गई, और डॉक्टर देखिए बीच में मुझे बुलाते थे, लेकिन घर की टेंशन कहिए या कुछ भी, कुछ हालात ही ऐसे हो गए थे ये 2.5-3 साल कि जिसकी वजह से मैं मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, और मेरा प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ते गया बढ़ते गया। जब शरीर में हद से ज़्यादा होमोग्लोबिन की कमी होती है, लगातार कमी कमी रहती है शरीर में, तो वो एनीमिया मतलब हो जाते हैं उनके शरीर में, तो मुझे वही हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कम से कम दवाई से या इतना जूस पीने से ठीक हो जाना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही है। तो डॉक्टर ने फिर यही बोला लास्ट में कि मतलब अब इंडोस्कोपी करवाना पड़ेगा। इंडोस्कोपी इसलिए बोले हैं कि अगर मैं इतना खा रही हूँ और दवाई मैंने लिया है, तो दूसरे पेशेंट जितना जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाती है, तो मुझे मतलब क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए इंडोस्कोपी भी मतलब करवाने के लिए बोले हैं। और साइकेट्रिस्ट के पास मुझे स्टार्टिंग में ही भेजे थे कि जब मेरा शरीर वैसा नहीं लग रहा है, और डॉक्टर बोली भी कि देखने से तो आप ऐसा नहीं लग रही हैं कि इतना गरीब परिवार से होंगी कि आपको मतलब खाना पीना नहीं मिल रहा होगा, जिसके कारण कि आपको मतलब खाने पीने की कमी से आपका हीमोग्लोबिन कम है, कुछ तो कारण होगा। तो मैं बस थोड़ा सा परेशानी बोल दी कि जिसको मतलब जिंदा ही रहने का मन ना हो, धरती पे रहने का ही ना मन हो, तो उससे फिर क्या टेंशन होगा मतलब होमोग्लोबिन का या खाने पीने का। एक्चुअली पैसे तो थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ ऐसा फैमिली प्रॉब्लम हो गया था जिसके कारण मैं खाने पीने पे इतना ध्यान नहीं दी जितना कि एक माँ को देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने बच्चे पे तो ध्यान दी, और मतलब बाहर का खाती थी, थोड़ा बहुत कम खाती थी, और दूध बिल्कुल भी नहीं पीती थी। तो मेरी बेटी 2.5 साल की हो गई थी, तब तक मैं जो भी मतलब दूध होता होगा मुझे, उतना तो नहीं होता था, क्योंकि मैं दाल, सब्जी, दूध, फल, जो भी एक एक्स्ट्रा माँ को लेना चाहिए था, वो सब मैं बिल्कुल भी नहीं ले पाती थी। तो जिसके कारण मतलब मुझे विटामिन, कैल्शियम,
और या ब्लड की मतलब हर चीज़ की कमी हो गई, तो जिसके कारण फिर मुझे मेरा मतलब हाथ भी टूट गया था और उसके बाद ही मेरा सारा इलाज शुरू हुआ है। और ये सारा दवाई आप देख रहे होंगे कि ये सब मैं दवाई काफ़ी सारा मतलब फिर से मतलब 3 महीने तो मैं खाई थी, 3 महीने का और दवाई दिए हैं और इसी बीच में काफ़ी सारा फिर से टेस्ट लिखे हैं। और अगर रिपोर्ट फिर से प्रॉब्लम आती है तो बोले हैं अब लास्ट यही बचा है कि मतलब ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो वैसे तो देखिए मेरी इतनी हिम्मत होती थी कि लेडीज़ होके भी मैं कई बार सोचती थी कि मैं ब्लड डोनेट करूँगी, लेकिन मैं कंसीव नहीं कर पाती थी और उस टाइम पे मुझे खुद ही ब्लड की ज़रूरत होता था। मन तो करता था डोनेट करने का, लेकिन मुझे कंसीव करना भी ज़रूरी था जिसके कारण मैं कभी लाइफ में डोनेट नहीं की हूँ। और आज देखिए ऐसा टाइम वक्त आ गया है कि मुझे खुद ही ब्लड की ज़रूरत है। तो वैसे तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे खुद से ही खाने पीने से या दवाई से अगर हो जाता तो अच्छा था, नहीं तो प्रेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि कोई ना कोई तो मिल जाएंगे। अगर आप लोग में से कोई भी हेल्प करना चाहेगा तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और लास्ट यही कहूँगी कि सच में अपना ध्यान देना चाहिए और नुकसान सिर्फ अपना ही होता है और किसी का नहीं होता है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। सच में अगर मतलब अगर हमने मतलब अपने बच्चे को जन्म दिया है तो हमारी जिम्मेवारी होती है उसे ठीक ठाक से पालना बड़े करना, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान रही। हाँ बताइए साइकेट्रिस्ट के पास जाना है कि आखिर मैं क्यों नहीं खा रही हूँ। हो सकता है कि मुझे दवाई या खाना इसलिए सूट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसी मन में बात रह गई है। तो मेरा मतलब साइकेट्रिस्ट से भी इलाज होगा। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर ने यही बोल दिए कि कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको अपना प्रॉब्लम खुद ही निकालना होगा हल, और जो आपको अच्छा लगे आप वही कीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैंने बहुत बड़ा चेंज अपने लाइफ में अब लाने की कोशिश की हूँ क्योंकि अब बहुत हो गया। पहले तो बस महसूस होता था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, लेकिन भगवान के पास इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा इलाज नहीं हो सकता है या मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। तो मुझे अब भी पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट लानी है, बहुत लाइफ में अपनी चेंज लानी है जो कि मैं अब ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मतलब एक ब्लड की ही बात नहीं है, मुझे और भी शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम है, आयरन कैल्शियम विटामिन वो सब भी रिकवर नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ मेरे हाथ में है, मुझे ही अपने आप को बस अब ठीक करना होगा।